हम सब ने अपने आसपास हमेशा ही कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका वजन जरूरत से ज्यादा होता है, लेकिन इस वीडियो में हम 5 ऐसे लोगों के नाम बताएंगे जिनके मोटापे ने एक अलग ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल रहस्य ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका की रहने वाली डोना सिम्पन्स का जन्म साल 1967 में हुआ था। उन्हें दुनिया की सबसे मोटे लोगों में शुमार किया गया था। इनका वजन 453 किलो है। डोना ने साल 2008 में सबसे मोटी औरत कहलाए जाने की इच्छा जाहिर की थी। दुनिया की सबसे मोटी महिला के रूप में इन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया था, जिसके लिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। टेक्सास में रहने वाली मायरा रोसेल्स का वजन 453 किलो हो गया था। वो अपने मोटापे के कारण हाथ तक नहीं उठा पाती थी। हैरत की बात तो यह थी कि 2008 में उन पर 2 साल के भतीजे के कत्ल करने का आरोप लगा, लेकिन अदालत ने उन्हें निर्दोष करार दिया। हालांकि अब मायरा का वजन काफी कम हो गया है। उसके लिए उन्होंने कई सर्जरी कराई। मेक्सिको के रहने वाले मैनुअल यूरीब का वजन 597 किलो था। उनका मोटापा एक हद से ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पाते थे और पूरा टाइम अपने बेड पे ही रहते थे। मोटापे की वजह से उनकी मौत साल 2014 में हो गई। माइकल हेब्रानको को साल 1990 में सबसे मोटे व्यक्ति होने के लिए गिनीज में भी शामिल किया गया था। तब इनका वजन 499 किलोग्राम था, लेकिन बाद में इन्होंने डाइटिंग और एक्सरसाइज करके अपना वजन 90 किलो और कमर का साइज 36 इंच कर लिया था, वो भी सिर्फ 19 महीनों में। इनकी मौत साल 2013 में हुई थी। 4 बच्चों के पिता केनेथ ब्रमले का वजन 468 किलो है। अपने आप को संभाल ना पाने के कारण वह 4 सालों तक लगातार बिस्तर पर ही पड़े रहे। इस दौरान वो एक दिन में 30,000 कैलोरीज कंज्यूम करते थे। इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही रहस्यमयी और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं।